आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला राज्य रहा है। उसके बाद केरल को आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना केसों के बढ़ने के अपने अपने कारण थे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ हेल्थ एक्सपर्ट ने ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, कोरोना नियमों का टूटना आदि को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ साथ सीजनल फ्लू का भी इसमें रोल रहा। मई में हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत के कुल कोविड मौतों में से एक चौथाई सिर्फ महाराष्ट्र में हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना महाराष्ट्र के गाँवों तक पहुँच गया था, जिसने ज़्यादा चिंता बढ़ाई थी। दरअसल पहली लहर तक मुंबई का ही बुरा हाल था, तो मानकर चला गया कि मुंबई में विदेशी से यात्री खासकर मिडिल ईस्ट से आते हैं, तो हो सकता है कि उनसे कोरोना तेजी से फैला हो। हालांकि अब राज्य में कोरोना के दैनिक मामले काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 66 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 61 का इलाज हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं। वहीं 5 मरीजों की जान चली गई है। इन मरीजों को कई दूसरी बीमारियां भी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स की चिंता है कि महाराष्ट्र में भले ही कुछ केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़िले हैं जो अगर वहां वक्त रहते काम नहीं किया गया, इसकी तरफ कुछ स्टेप्स नहीं उठाए गए, तो इसका पूरा असर देश पर पड़ सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में जब भी हालात ख़राब हुए हैं कोविड की वजह से, तो इसका असर भी देश के हर कोने पर पड़ा है। और अब तो तीसरी लहर की आशंका है, और ऐसे में महाराष्ट्र पर खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना महाराष्ट्र के उन ज़िलों के बारे में अपडेट लिया जाए, क्योंकि पूरे देश के प्रभावित होने का सवाल है। इसके लिए मैंने बात की ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और जाने माने इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। जी डॉक्टर, महाराष्ट्र में चीज़ें हमेशा से ख़राब रही हैं, इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ा है, डॉक्टर इसे कोविड की लहर पर भी पड़ा है। अभी वहाँ कौन से ज़िले हैं जो आपको एरिया ऑफ कंसर्न दिख रहे हैं? कोविड पैंडेमिक की दुनिया में भारत की राजधानी महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में फर्स्ट वेव चालू हुआ, महाराष्ट्र से सेकेंड वेव चालू हुआ, हो सकता है महाराष्ट्र से थर्ड वेव चालू हो। महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा राज्य है, इसकी पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ के से थोड़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर 36 जिले हैं। तो 36 जिलों में 6 जिले जो है, जिसको हम लोग वेस्टर्न महाराष्ट्र कहते हैं पहले से, जो सबसे ज्यादा विकसित एरिया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का डिवीजन उन्होंने कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश और मराठवाड़ा, ऐसे 5 राज्यों में, 5 विभागों में किया है। तो जो पश्चिम महाराष्ट्र है, जो पुणा से चालू होता है, पुणा, सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, सातारा और कोल्हापुर, ये 6 जिले हैं। और अगर आप पिछले 1.5 महीने का इतिहास देखेंगे, तो इन 6 जिलों से लगभग महाराष्ट्र के जो 60% केसेस है, ये 6 जिलों से आ रहे थे। 2-3 दिन पहले तक 70% आ रहे थे, और आज अरे कल तो 80% जो यहाँ के केसेस है, ये 6 जिलों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में जब 6,300-6,400 केसेस आए कल, तो लगभग 5,400-5,500 ये 6 जिलों से आए, और ये 6 जिले सुधर ही नहीं रहे। सरकार, प्रशासन, समाज, सब लोग परेशान हैं। तो हमें ये देखना है कि ये 6 जिलों का प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, हमारे जो मरीज आते हैं वहां से, वो बोले कि एक तो इन इलाकों में मास्किंग बहुत कम है, तो थोड़ा सा अरोगेंस है लोगों में कि मास्क लगाना नहीं है, सोशल गैदरिंग करना है, कुछ शादियां प्रोग्राम वगैरह भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई नया वेरियंट है। जैसे सेकंड वेव के शुरुआत में महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में अमरावती जिला है, अमरावती में बहुत सारे केसेस आ रहे थे, और थोड़े दिन के लिए 8-10 दिन के लिए नीचे गए और फिर चढ़ना चालू हो गए। तब लोगों ने सोचा कि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं उस समय। तो जब ढूंढा तो पता चला कि जो आज जो डेल्टा वेव कहते हैं, वहां से डबल म्यूटेंट बोल के वहां से निकला, और 2 अलग अलग म्यूटेंट निकले वहां, 484R और 452K। तो ये जो निकले, उसके बाद में डेल्टा निकला, डेल्टा वहां से पूरे इंडिया में पहुंच गया। जहां पे जनवरी 2021 में सिर्फ 1% था डेल्टा,
वो 1%, 7%, 22% ऐसा बढ़ते बढ़ते 80% तक आ गया जून तक, और अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट 95% 98% ये पूरा डेल्टा वेरिएंट है। अब ये भारत से सीमित नहीं रहा, ये भारत के बाहर जाके लगभग 135 कंट्री में डेल्टा वेरिएंट चले गया। आज अमेरिका की भी जो हालत खराब है ये डेल्टा वेरिएंट से खराब है। तो अमेरिका का जो मैप थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, येलो भी हो गया था, अभी तो पूरा रेड हो गया। तो ये हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है, ये ऑफिशियली नाम किसने दिया नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है ये 6 जिले। और इसको हम लोग अलग करके देखेंगे तो महाराष्ट्र बाकी राज्यों के जैसा ही है, जहाँ पे ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। जी, जिन जिलों के नाम आपने बताए वो आने वाले दिनों में कितना बड़ा चैलेंज होने वाले हैं? अगर हम लोग ये हालात अभी देखें तो अगर हम लोग कुछ कारगर कदम नहीं उठाएंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ा होकर हमें तीसरी लहर की शुरुआत यहाँ से करेगा। तो फिलहाल केरला और महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के ये 6 जिले और कोस्टल बेल्ट उड़ीसा का और तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हमें ये कुछ करना है तो जैसा हम लोग, जैसे कहीं से केस आता है तो लोग महाराष्ट्र को बदनाम करते हैं, वहां दूसरे जिलों में दूसरे राज्यों में जाते हैं तो बोलते हैं महाराष्ट्र से आने वाले की आरटीपीसीआर करो। तो जिस ढंग से राज्यों पे लांछन आता है या राज्यों पे कुछ कदम उठाने के लिए कहते हैं, उस ढंग से ये 6 जिलों को कॉर्डन करना चाहिए। ये 6 जिलों से बाहर आने जाने वाले पे थोड़ा रोकथाम करना चाहिए। ये 6 जिलों में वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, और वैक्सीन का अगर शॉर्टेज है तो इन 6 जिलों में एंटीबॉडी टेस्ट करें, एक ड्रॉप ब्लड पर, जो जैसा हम लोग शुगर का टेस्ट करते हैं। अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, आईजीजी है, इसका मतलब वो इंसान इन्फेक्टेड है, उसको वैक्सीन का इमीडिएटली जरूरत नहीं है, और जो निगेटिव है उसको वैक्सीन दे। तो ये स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो आपका वैक्सीनेशन ज्यादा हो जाएगा, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको तो इन्फेक्शन होना नहीं है, इस ढंग से वहां की हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो वहां का इन्फेक्शन रुक जाएगा, थम जाएगा। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि वहां के लोगों के विचारों की बदलाव कैसे करें। अगर विचारों से नहीं मानते तो जैसा हमारे महाराष्ट्र में कहावत होती है, साम दाम दंड भेद, आप उनको अपराध समझ के दंड लगाइए, बड़ा फाइन लगाइए। क्योंकि अगर कोई इंसान मास्क नहीं लगाता है तो अपने लिए रिस्क नहीं है, वो दूसरों के लिए रिस्क है। तो एनी पर्सन हु इज प्रोजेक्टिंग रिस्क टू अदर्स, दैट पर्सन शुड बी ट्राइड। तो ये जब तक आप कानून अच्छे से नहीं बनाएंगे या इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये लोगों का बिहेवियर ऐसे रहेगा, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस में ढील देना शुरू कर चुके हैं, जिस पर एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जताई है। तो आपके हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शंस में ढील जो है वो किस तरह देने की जरूरत है? देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ, उसके बाद होता है लाइवलीहुड, उसके बाद में होता है सोशलाइजेशन। तो लाइफ इंपॉर्टेंट है बोल के हम लोग पहले लाइफ को कॉर्डन करने के, लाइफ को बचाने के लिए हमने सब ये रिस्ट्रिक्शन लाए। अब ये रिस्ट्रिक्शन कितने दिन चलेंगे, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1.5 साल हो गया, तो हमें रिस्ट्रिक्शन को तो शिथिल करना ही पड़ेगा। लोगों की लाइवलीहुड है, जिंदगी उससे जुड़ी है। अब लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी है और हमें लाइवलीहुड चलाना है तो लोगों को ये बताना के देना कि आपको काम करना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको रोड साइड बिजनेस करना है, मास्क लगा के रहिए। तो जैसे हम बाकी के कपड़े पहनते हैं उसी ढंग से एक कपड़ा आपको एडिशनल हो गया, 1-4 इंच की पट्टी एडिशनल हो गई, ये लोगों को समझाना है। अगर लोग मानते नहीं है तो उनका लाइवलीहुड अफेक्ट होगा। हमारी क्या चीजें रुक सकती है, वो सोशलाइजेशन, वो सोशल गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, ये रुक सकती है, क्योंकि उसकी वजह से किसी का रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है, लाइवलीहुड में फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम ये देखेंगे कि जो लॉकडाउन खुला है, जैसे आंध्र प्रदेश में वहां के सीएम ने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी लोगों की है, उन्होंने 1.5 महीने से पूरा लॉकडाउन खोल दिया। अब लॉकडाउन खोलने की वजह से वहां पे केसेस तो ज्यादा बढ़े नहीं है। इसका मतलब ये कि लॉकडाउन एक स्ट्रैटेजी शुरुआती दौर में ठीक थी, आज के दौर में लॉकडाउन ये इफेक्टिव है कि नहीं मानना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो तीसरा वेव आने वाला है, हम लोगों को डरा धमका कर तीसरा वेव बहुत बड़ा आने वाला है, ये गलत काम कर रहे हैं। तीसरा वेव बड़ा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी जो पॉपुलेशन है वो पार्शियली इन्फेक्टेड है और पार्शियली इम्यूनाइज है या वैक्सीनेटेड है। तो पार्शियली इन्फेक्टेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में थर्ड वेव बड़ा आ ही नहीं सकता। सेकंड वेव इसलिए बड़ा आया कि फर्स्ट वेव के बाद में वैक्सीन आने को वक्त लग गया और वैक्सीनेटेड लोग 2-3% भी नहीं थे। तो सेकंड वेव में हम लोग डेल्टा आया, वैक्सीन नहीं था, पहले वेव में ज्यादा लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, तो इसलिए ज्यादा बड़ा वेव आ गया। ऑलरेडी 67.6% एंटीबॉडी पॉजिटिविटी है पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह के जो फोर्थ सीरो सर्वे हुआ उसके अंदर। इसका मतलब ऑलरेडी 65-70% लोग इन्फेक्टेड है अलग अलग जगह, हो सकता है कहीं 80 है, कहीं 50 है, जहाँ 50 है वहाँ पे 70 तक पहुँचाना है, जहाँ 80 है वहाँ पे ऑलरेडी वो इम्यूनिटी आ चुकी है।
तो हमें यह देखना है कि इम्यूनिटी कैसे आएगी। हम लोग ये नहीं चाहते कि लोगों को इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आए, लेकिन जिस किसी को इन्फेक्शन हो चुका है उससे इम्यूनिटी आई है, वो इम्यूनिटी वैक्सीन से अच्छी इम्यूनिटी है, वो ज्यादा टिकने वाली इम्यूनिटी है। और ऐसे लोगों को सिर्फ एक वैक्सीन भी काफी है, दो वैक्सीन के डोज देने की जरूरत भी नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर एक सवाल ये पूछना था डॉक्टर कि सरकार ने मुंबई में फुली वैक्सीनेटेड लोग को आरटीपीसीआर करवाने पर जोर देने से मना किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे वक्त में ऐसा किया जाना चाहिए? ये आरटीपीसीआर की जो पहले से डिमांड थी या लोगों का मानना था, ये इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आप सोचो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुंबई एयरपोर्ट पे 4 महीने के अंदर 22 लाख टेस्ट किए, 22 लाख टेस्ट में सिर्फ 700 आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है 0.3% पॉजिटिविटी रेट। वो किस समय जब महाराष्ट्र के जिलों में मुंबई के अंदर भी लगभग 20-25% लोग पॉजिटिव आ रहे थे, तो आपके जिलों में आपके राज्य में 25% पॉजिटिव आ रहा है, आप बाहर से आने वाले लोगों को तकलीफ कर रहे हो, लाइन में खड़ा कर रहे हो, उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उनको क्वारंटाइन कर रहे हो, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आरटीपीसीआर का जो रेंज है पॉजिटिव आने का, वो आपके बीमारी का सिर्फ 10-12 दिन का रेंज है। तो इस रेंज के दौरान अगर आपको कोई बुखार है, खांसी है, जुलाब है, उस समय आएगा, उसके पहले भी नहीं आएगा, बाद में भी नहीं आएगा। तो उतने छोटे के लिए अगर हम इंसान के सोचे कि हर इंसान को एक साल में कोविड होने वाला है, तो 365 दिन में से 10 दिन निकाल दो तो बाकी दिन आरटीपीसीआर का जरूरत ही नहीं है। तो आरटीपीसीआर की जगह इन्होंने वैक्सीनेशन को एक महत्व दिया होता जो पहले देना चाहिए था, नहीं दिया। दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट, जिसका एंटीबॉडी टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है या जिसके पास कोई कोविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है या उनके ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड है कि ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है 4 महीने पहले 6 महीने पहले, ऐसे लोगों को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे कि जो बेचारे मुंबई से दिल्ली 10 बार जाते आते हैं, हर बार को आरटीपीसीआर इधर दिखाओ उधर दिखाओ, 24 आवर्स पहले 48 आवर्स पहले, ये तो गलत मांग थी, अच्छा हुआ देर से आए दुरुस्त आए। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनके पार्टिसिपेशन की कमी से बाद जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं, जन भागीदारी जो है ज़रूरी है, लेकिन महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी क्या करने की ज़रूरत है, क्या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ताकि जो हालात है वो कंट्रोल में हों? मैं ये मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए होंगे, कुछ कदम कारगर भी होंगे, लेकिन अगर जो भी कदम उन्होंने उठाए आज तक पिछले 1.5-2 महीनों में उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कहावत है, उन्होंने कहा है कि यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, तो ये इज अ साइन ऑफ इंसैनिटी। तो हमें वो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे अभी तक उससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि हम इतने सब करके भी कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या करना है। इसके लिए आप एक थिंक टैंक लगाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करो, नए नए कुछ नुस्खे लाओ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट करो, यूथ सेंट्रिक पॉलिसी बनाओ, युवकों पर भार डालो, तो काम होगा। तो अभी तक जो हिसाब से हुआ है तो जो सब जगह हो रहा है वही हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे कोई स्टेप लिए है ऐसा मुझे लगता नहीं है, और अगर लिया होता तो 1.5-2 महीने ये हालत नहीं होती। राय देना चाहूंगा कि 6 जिले ने बहुत बड़ा इलाका नहीं है, आप हर जिले में जाओ, हर जिले के मोहल्ले मोहल्ले में, हर बस्ती में जाओ, वहां पे एक एक ड्रॉप का ब्लड टेस्ट करो, एंटीबॉडी पॉजिटिव उनका अलग लिस्ट बना लो, आपको चाहिए तो आपके कोविन ऐप को मॉडिफाई करके जो एंटीबॉडी पॉजिटिव हो भी उस पर डाल दो, और जो निगेटिव उनको इमीडिएट वैक्सीनेट करो। हमारे पास क्या हो रहा है कि जब अभी स्कूल खोलना है, जब स्कूल खोलना है तो बोले बच्चों को रिस्क है, बच्चों को रिस्क किससे, टीचर से, टीचर का वैक्सीनेशन हो तो हुआ ही नहीं है क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। जब उनको स्कूल खोलना है तब हम टीचर के बारे में सोचेंगे, ये पहले क्यों नहीं सोचा आपने? तो हर चीज में जहां पे दुकानदार है, होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, जो बिजनेस करने वाला है, कारीगर है, तो अगर आपको लगता है कि कारीगर से रिस्क है तो आप उसको अभी तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया, उनको प्रायोरिटी में क्यों नहीं लाया? तो हम लोग जो वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दिए और जो प्रायोरिटी वाले लोग पीछे रह गए, ये गलती हुई। तो अभी कम से कम ये 6 जिलों में हमें ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है कि हम एंटीबॉडी टेस्ट करें और जो बाकी जो अनइन्फेक्टेड है उनको इमीडिएटली वैक्सीनेट करें, ताकि 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर हम उनको पूरा कंट्रोल में लेके आ सके। जी डॉक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर अभी क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी लहर आती है सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं वो मरीज के हॉस्पिटलाइजेशन में ही आता है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम लोग का पैरामीटर क्या होता है या यार्डस्टिक ये होता है कि कहां से कितने केसेस आ रहे हैं, और उसी ढंग से लोग केरला के बारे में चिंतित थे कितने केसेस केरला से आ रहे हैं, लेकिन केरला में अभी तक एक भी ऐसी डिमांड नहीं आई कि हमारे पास ये दवाई नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, या हमारे पास बेड नहीं है, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब आपका यार्डस्टिक क्या चाहिए, कितने पॉजिटिव आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हर आने वाले मरीज को जब बेड चाहिए बेड मिलता है,
आईसीयू चाहिए आईसीयू मिलता है, वेंटिलेटर चाहिए वेंटिलेटर मिलता है, जब ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन मिलता है, जब कोई भी दवाई की जरूरत है दवाई मिलता है, और आपका हेल्थ केयर स्टाफ मुबलक मात्रा में उपलब्ध है, ये आपके पास सब है, आप नंबर से मत घबराइए। दूसरी चीज, आपका जो CFR है केस फेटेलिटी रेट, ये आपको 0.06-0.5 है उस पर मेंटेन करना है। अगर आपका केस फेटेलिटी रेट पूरे इंडिया का 0.6-0.5 पे आ गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू, क्योंकि फ्लू के अंदर भी उतना ही केस फेटेलिटी रेट है। तो हमें इसका इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये पैंडेमिक थोड़े दिन से एंडेमिक बन जाएगा और साल दो साल तीन साल चलते रहेगा, कुछ किसी को इन्फेक्शन हुआ किसी को नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम किसका आता है, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जिसको डायबिटीज है, जिसको किडनी के प्रॉब्लम है, जिसको दूसरे प्रॉब्लम है, तो हमें उन प्रॉब्लम वाले लोगों को बचाना है और उन लोगों को बताना है कि आप अपने प्रॉब्लम कंट्रोल में रखो। जैसे मैं बात करूं HIV की, अगर HIV का मरीज रेगुलर HIV की दवाई खाता है, भले ही HIV एक कोमॉर्बिडिटी है, लेकिन रेगुलर दवा खाने की वजह से वो कोमॉर्बिडिटी से बाहर आता है और एक आम इंसान की तरह हो जाता है। तो अगर हर इंसान अपनी वो कोमॉर्बिडिटी को कंट्रोल रखे तो उसको कोमॉर्बिडिटी को एक रीजन मत बनने दे कि वो बीमार हो और वो हॉस्पिटल में पहुंचे, उतना अगर कर लेगा तो हम लोग जीत लेंगे कोविड के खिलाफ भी। डॉक्टर, जो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस है, उससे तो खैर मुंबई में 5 मौत भी हो चुकी है, ऐसे में एक रिसर्च ये भी आई कि वैक्सीनेटेड लोग जो हैं डेल्टा स्प्रेड करते हैं, और एक टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर डेल्टा साथ साथ चलता है तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना मुश्किल होगा, तो आपकी क्या राय है इस पर? एक पहली बात बता दूं कि ये हर्ड इम्यूनिटी है, ये कंसेप्ट है, ये अभी तक प्रूवन नहीं है। हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी 70% में होने से होगी, या 75 में होगी, या 80 में होगी, ये पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी भी वैक्सीन का काम ये नहीं है कि आपको 100% इन्फेक्शन से बचाए। इवन जो मॉडर्ना या फाइजर है वो भी 93-94% तक प्रोटेक्शन देता है, बाकी 7-8% को प्रोटेक्शन नहीं देता है। इंडिया के जो वैक्सीन है वो 80-85% तक प्रोटेक्शन देते हैं। डेल्टा वेव से जो प्रोटेक्शन है, डेल्टा वेरिएंट से, ये सिंगल डोज में 31% प्रोटेक्शन है, सेकंड डोज के बाद में 69% प्रोटेक्शन है, लगभग 70% प्रोटेक्शन है। लेकिन ये आपका इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। आपके हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटेक्शन कितना है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो प्रोटेक्शन है दो इंजेक्शन के बाद, दो डोज के बाद 93% है। तो सीवियर इलनेस से और हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन 93% है, और डेथ से प्रोटेक्शन 98-99% है। अभी आपने बात कही डेल्टा प्लस वेरिएंट की, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अभी तक पूरे इंडिया में 70-80 केसेस हैं, जो महाराष्ट्र में भी जो अभी केसेस मिले हैं वो 11,000 टेस्ट के बाद कुछ 65 मिले हैं, जिसका मतलब 0.5% है पॉजिटिविटी रेट, ये बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, जो डेल्टा प्लस के डेथ हुए हैं वो जितने के जितने डेथ हुए वो सबके सब कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, सिंगल कोमॉर्बिडिटी नहीं, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी, यानी किसी मरीज को दो बीमारी है, किसी मरीज को तीन बीमारी है, और काफी एजेड लोगों में हुई है। यानी जो पहला डेथ हुआ वो 82 ईयर के एज में हुआ, दूसरा डेथ हुआ 64 के एज में हुआ, 64 की एज ज्यादा नहीं है, लेकिन मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी होती है तो दैट एज इज ऑल्सो अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ये डेल्टा प्लस वेरियंट मेरे लिए फिलहाल या और किसी भी साइंटिस्ट के लिए फिलहाल इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना डेल्टा है। जी, एक आखिरी सवाल ये सर, जो घूम फिर कर एक ही चीज़ पर टिकी है वो है वैक्सीन। क्या लगता है आपको, जो टारगेट हमने तय किया है दिसंबर एंड तक का वैक्सीन लगवाने का, लाइक पूरी आबादी को, एलिजिबल आबादी को, तो क्या हम वो पूरा कर पाएंगे? सो भारत में आज के डेट में ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 5 वैक्सीन है, लेकिन अगर वो 5 में अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 89% वैक्सीन कोविशील्ड है, लगभग 10% वैक्सीन कोवैक्सीन है, 0.2% कुछ है वो स्पुटनिक 5, बाकी 2 वैक्सीन को परमिशन मिला है, मॉडर्ना सिप्ला मार्केट करने वाला है और अभी रिसेंटली जॉनसन जॉनसन को मिला है। तो ये अभी तक तो मार्केट में आया ही नहीं है, इसका मतलब हमारा जो पूरा दारोमदार है वो सिर्फ कोविशील्ड पे डिपेंड है और थोड़ा बहुत कोवैक्सीन पे डिपेंड है। अब जो स्टार्टिंग में आंकड़े दिए गए थे कि जुलाई से वैक्सीनेशन का प्रमाण बढ़ेगा, वैक्सीन ज्यादा मिलेगा, जुलाई चले गया, अगस्त के हमारा आधा अगस्त भी चले गया, अब बताया गया कि अगस्त में टोटल जो वैक्सीन आने वाला है वो 20 करोड़ है। हमने जो अंदाज अनुमान लगाया कि 31 दिसंबर तक अगर हमको जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसको हम लोग 18 प्लस कहते हैं वो 94 करोड़ है, 94 करोड़ को अगर एक एक को दो दो डोज देना है तो 188 करोड़ का हमारा टारगेट है, 188 करोड़ को वैक्सीन मिलना चाहिए, यानी इतने डोज होना चाहिए। तो उतने डोज के लिए फिलहाल हमारे पास लास्ट मंथ में जो कैलकुलेशन था 90 लाख पर डे, और इस मंथ का जो कैलकुलेशन है 1 करोड़ पर डे, क्योंकि
उतना हमने 90 लाख किया नहीं। तो अगर आज हमारा टारगेट 100 का है, आज हमने 50 किया तो कल का टारगेट 1.5 का हो गया। तो उसी ढंग से अभी फिलहाल हमको 1 करोड़ हो जाना चाहिए। अगर अगस्त की बात करें तो 30 करोड़ चाहिए थे, हमारे पास 20 करोड़ आ रहा है, तो हमारा 10 का शॉर्टेज है। सितंबर में बोल रहे हैं कि आएगा 20-25-30, तो शायद तब तक थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। हो सकता है कि सितंबर के बाद में और ज्यादा वैक्सीन आए, क्योंकि जो बायोलॉजिकल ई कंपनी का वैक्सीन है सरकार ने ऑलरेडी प्री परचेस करके रखा है टोटल 30 करोड़ वैक्सीन, और वो आगे 4 महीने में आने वाला है, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में। तो हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन की स्पीड है हमारी एंड में ज्यादा हो जाएगी नवंबर दिसंबर में। अब सरकार ने एक बात कही कि किसने कहा कि 31 दिसंबर तक करना है, तो जैसे मैंने बताया कि जैसा जो हर्ड इम्यूनिटी का लेवल 70% है, ये हमने मान के चल रहे हैं, वैसे 31 दिसंबर ये भी मान के चल रहे हैं। हो सकता है उसका 15 दिन लेट हो, 1 महीना लेट हो, लेकिन तब तक हो जाना चाहिए ऐसे अंदाज है। ये थे डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।